see, five weird things is actually not weird for me. Maybe it's weird for the other people. I talk a lot about food. My day starts with food. Though not shown in my body because I have a good BMR. But yeah, I talk a lot about food and people get irritated around me. तो पूरे दिन खाने की बात करते हैं, पूरे दिन खाने की बात करते हैं, तो मैं लंच खाते हुए डिनर का सोचूंगा, डिनर खाते हुए नेक्स्ट डे नाश्ते का सोचूंगा, तो मेरा पूरे दिन खाने में निकल जाता है. I have a weird fetish about white shoes, यार. White shoes and printed socks. Like, I have like good 7-8 pair of white shoes. And socks में पास कुछ प्रिंटेड हो गया, उसमें कुछ क्रोकोडाइल बना हुआ है, किसी पे डक बनी हुई है, ग्रीन, रेड, पिंक, पर्पल, आई थिंक एवरी कलर सॉक्स आई हैव. एंड नॉर्मली जब मैं बैठता हूँ अपने दोस्तों से, अगर तो मैं शूज़ उतार के बैठता हूँ, सॉक्स पूरी एकदम सर चढ़ा के टेबल के ऊपर रख के, तो वो सॉक्स बड़ी चमकती है अलग से. सो वन ऑफ माई फ्रेंड पॉइंटेड और बनते कि क्या कलर के, ग्रीन कलर के तोता कलर के सॉक्स पहनी तूने. तो यार मैं मेरे को आई थिंक ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है. एवरी डे इन एवरी मील आई नीड चिकन. यार मतलब अगर मैं पहले जब था दिल्ली में था तो मम्मी बोलती है ट्यूसडे को मत खाओ, इस दिन मत खाओ, इस दिन ये इसका दिन है, इस दिन हनुमान जी का दिन है, इस दिन गणपति का दिन है. बॉम्बे आके तो अब कुछ मिलता नहीं, तुम तो रोज़ चिकन भले बन गए, अब तो मैं बिल्कुल मांसाहारी हो गया. क्योंकि मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि क्या मम्मी ने संस्कार दिए थे, सारे आके ख़त्म हो गए मेरे. बढ़िया. एवरी मील आई नीड चिकन एटलीस्ट 100 grams और 150 grams, तो मेरे को लगता है कि मील कम्प्लीट हुई है, पेट भरा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ मज़ा नहीं आया खाने में. आई वुड से कि मैं वो रहता हूँ, मतलब आई थिंक आई एम वेरी इधर उधर भागने वाला. लाइक इफ़ यू सी मी ऑन सेट, आई एम नेवर इनसाइड माई रूम. मेरा रूम है वो सिर्फ मेकअप करने के लिए, सुबह जाता हूँ और रात को सिर्फ सामान उठाने जाता हूँ. मैं कभी इनके रूम में, कभी उनके रूम में, कभी इनके रूम में. सो ये मेरे चलता रहता है. अब ये इस चक्कर में घर जाकर रात को थक जाता हूँ, कभी जिम जाना होता है उसकी हिम्मत नहीं रहती, कभी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है. तो आई थिंक ये आदत मुझे बदलनी चाहिए अपनी, थोड़ा अपना रेस्ट सेट पर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए मुझे. I have this very weird habit of sleeping at 11. Like lately, since like last 2 months, I've been sleeping at 11. When all like my group, I always roam around with my group only. I go to party with them, I go to dinner with them. But any other person, if they ask me if you want to come on for a movie, by 8 बजे से पहले, मतलब 11 बजे से पहले सब खत्म कर दो, because 11 बजे के मुझे ऐसे नशे छा रहे होते हैं कि भाई सो जाओ. एंड लोगों ने तो आज बुढ़ा बुढ़ा बोलना शुरू कर दिया आजकल कि भाई तू बुढ़ा हो गया, तेरी जवानी खत्म, यू स्लीप एट 11, यू गेट अप एट 7. एंड आई थिंक अब ठीक है, मतलब आई डोंट नो कैसा हो रहा है, मेरी इस उम्र में तो थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, बट ना मैं हो गया, मेरी उम्र आ गई है, मेरी बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मैं सो जाता हूँ 11 बजे. सो या दिस इज़ वियर्ड, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वियर्ड. एंड नॉट ओनली मी, द होल ग्रुप ऑफ माइन इज स्लीपिंग एट 11, 11:30, ऑल एवरी वन इज गेटिंग अप एट 7. सो यार पूरा आसपास सब माहौल ही खराब है मेरा, मुझे लग रहा है.